तो प्राइमर लग चुका है और अब हम फिक्स करेंगे ये सारा एरिया। इसको देखिए मैं मेकअप से कैसे छुपाती हूँ और एकदम फ्लॉलेस बेस कैसे आता है। हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो कि फेस्टिव सीज़न आ चुका है, त्यौहार आ चुके हैं, तो इस टाइम पे हमें हमारा बेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूई और सुंदर चाहिए होता है। अगर आपको भी आपका मेकअप बहुत सुंदर तरीके से करना है तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले ना हम एक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो अपने फेस पे। अगर आपने सुबह क्रीम लगाई और आप शाम को रेडी हो रहे हो तब भी आप अपना फेस वॉश करके एक बार मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। नाउ स्टेप नंबर टू इज़ कि आप स्टोव क्रीम यूज़ कर सकते हो। इसको लगाने से आपके फेस पे ऑलरेडी एक शाइन सी आ जाती है। कैन यू सी द डिफरेंस, कितनी शाइन आ चुकी है इस साइड ऑफ द फेस पे और ये साइड पे भी मैंने लगाई नहीं है। अब हम लगाएंगे अपना प्राइमर। इससे हमारा मेकअप जो है काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक थिक क्रीम कंसीलर लेना है और क्रीम कंसीलर जो आप लोगे वो आपकी स्किन से दो शेड डार्कर हो या एक शेड डार्कर हो तभी सही है। क्रीम होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का 4-in-1 कलर करेक्टर। इस तरह से मैंने सारे पिगमेंटेड एरियाज और डार्क सर्कल्स पे इसको लगा लिया है। मेरे सारे डार्क स्पॉट्स जो हैं वो छुप गए हैं। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस इन बोथ द साइड्स। इसके बाद हम इसे कभी भी पाउडर से डायरेक्ट सेट नहीं करेंगे। या तो आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम ब्लेंड कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर से। हमेशा याद रखिएगा कि फाउंडेशन आपको इस तरह से लगाना है, कभी भी उसको ऐसे घसीटना नहीं अपने फेस पे, वो एक जगह से हिल जाएगा और आपका पिगमेंटेड एरिया जो हमारे दाग धब्बे हमने छुपाए थे वो फिर से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमारा बेस मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से सारे पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को जो मैंने छुपा लिया है मेकअप से। मेकअप आप इसके ऊपर आप ब्लश लगाइए, अपना आई मेकअप कम्प्लीट कीजिए और लिपस्टिक लगाएं एंड यू आर रेडी टू रॉक द फेस्टिव सीजन। तो मैं भी जल्दी से अपना बाकी मेकअप कम्प्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। एंड लुक एट द स्किन, लुक एट दैट शाइन। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।